दोस्तों स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम MOSFET के बारे में जानेंगे। बहुत लोग बहुत दिन से पूछ रहे हैं, मैं बताते भी रहता हूँ, जब पावर सप्लाई वगैरह बनाता हूँ तो बताता हूँ MOSFET के बारे में, लेकिन आज सोचा मैंने कि आपको डिटेल्स में MOSFET के बारे में बता दूँ और आप इसको ध्यान से देख लें वीडियो को या सेव करके रख लें, आपको जब भी कुछ डाउट हो तो ज़रूर देखें। तो दोस्तों ये MOSFETs हैं, ये तीन टाइप का MOSFET मैंने यहाँ रखा है और भी एक टाइप का MOSFET आपको दिखाना है। ये एक MOSFET देखिए इस साइज़ में आता है, बड़े साइज़ में आता है, खाली साइज़ का फ़र्क है और ये ज़्यादा एम्पियर में रहता है, 60 N 60 20 N 60 वगैरह आता है, उससे अलग अलग नंबर में आता है। तो इस टाइप के MOSFET भी कभी कभी सारपी में यूज़ होता है ये, लेकिन कम यूज़ होता है आजकल। और ये मेटल बॉडी रहती है, इसमें भी आपको ऐसा स्लीव डालने की ज़रूरत होती है। तो और दूसरा MOSFET जो इस टाइप का आता है छोटे साइज़ में SMD टाइप में, ये ज़्यादा करके मदरबोर्ड वगैरह पर लग के आता है। और सारपी में भी कभी कभी स्टार्ट वोल्टेज के लिए एक MOSFET यूज होता है, कोई ओल्ड सप्लाई में अभी नहीं आ रहा है ज़्यादा करके। और ये MOSFET भी सेम है लेकिन मेटल बॉडी में है, इसको भी आपको यूज़ करना है तो इसमें आप स्लीव डाल के फिर इसको बॉडी पे फिट करें। और ये हमारे रनिंग MOSFET है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, अलग अलग नंबर में आता है, जैसे 8N से लेकर के हम 20N तक यूज़ करते हैं, सारपी में, पावर लाइट में या कोई और पावर सप्लाई में। इंडस्ट्रियल सप्लाई में हाई एम्पीयर के सब MOSFETs लगते हैं, अलग अलग टाइप में रहते हैं, कुछ फाइबर बॉडी में रहते हैं, कुछ मेटल बॉडी में रहते हैं। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इलेक्ट्रोटेक सॉल्यूशंस। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, अगर आपको कुछ इशू है तो ज़रूर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे, 9324-77-4742 ये मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ पर लिख दिया है मैंने, आपको मालूम पड़ जाएगा। ये MOSFET का सिंबल है, आप सर्किट में कहीं देखेंगे तो ऐसा सिंबल आपको MOSFET का मिलेगा। ये MOSFET जो है हमने 8N65 लिया है, कोई भी MOSFET आपको ऐसे ही दिखाई देगा जो इस टाइप में है, फाइबर में नंबर अलग अलग होंगे लेकिन MOSFET ऐसा ही होता है और यही हम यूज करते हैं ज़्यादा करके। ये मेटल वाला है, ये छोटे साइज में है, ये आपको मदरबोर्ड वगैरह में, पावर लाइट्स में मिलता है, बहुत जगह मिलेगा। SMD MOSFET है, इसका बॉडी सोल्डर हो जाता है और ये इसकी बॉडी फिट होती है स्क्रू के द्वारा और हीट सिंक के क्लैंप के द्वारा। तो MOSFET होता क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं MOSFET का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म बहुत लंबा है, ये जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इतना बड़ा नाम है इसका MOSFET, ठीक है, MOSFET हम जान लेते हैं, इतना बड़ा नाम याद भी नहीं रहेगा और ज़रूरत भी नहीं है। मार्केट में आप लेने जाते हैं तो खाली आपको MOSFET का नंबर बोलना रहता है और टाइप बोलना रहता है। तो बड़े MOSFET का नंबर अलग आता है, वो तो आप बोलेंगे तो मिल जाएगा और देख के भी आपको पता चल जाएगा कि ये MOSFET आपको वही चाहिए। ये MOSFET आपको खाली बताना है कि फाइबर में चाहिए मुझे या प्लास्टिक में चाहिए, तो ये MOSFET आपको मिलेगा। ये MOSFET का नंबर से भी आपको सेम MOSFET ही मिलेगा, SMD टाइप है और ये मदरबोर्ड में लगते हैं। ये MOSFET हमें नहीं लगाना है, अगर नहीं मिले कभी तो ये लगा सकते हैं आप, लेकिन ये नहीं लगाना है हमें, MOSFET लगाना है यही। अब ये MOSFET के पिन के बारे में जानते हैं, इसका सेंटर पिन ड्रेन रहता है, ये तो जब हम PCB पे लगाते हैं तो उल्टा लगने का चांस नहीं रहता है। कोई भी PCB हम ले लेते हैं, जैसे आपको यहाँ पे देखिए PCB मेरे पास सारपी की पड़ी है, दिखा देता हूँ मैं, तो ये माउंट करते हैं तो सेंटर पिन बराबर वहीं पे आ जाता है। और लेकिन जब इसको उल्टा आप घुमा दोगे, जो फ्लैट साइड है अगर घुमा देते हैं आप, तो ये MOSFET का गेट और सोर्स उल्टा हो जाएगा और आपका MOSFET काम नहीं करेगा। ये MOSFET काम कैसे करता है, इसके स्विच सोर्स पिन पे इनपुट वोल्टेज थोड़ा सा क्लिक वोल्टेज आता है जो कि स्टडी नहीं रहता है, ज़्यादा करके अप डाउन होते रहता है वो, तो इसको क्लिक करता है सोर्स को, इनपुट बोलते हैं इसको, सोर्स इनपुट बोलते हैं, CS in बोलते हैं। और गेट और सोर्स के बीच में कंट्रोल होता है, इसका आउट मिलता है ड्रेन से जो कि सर्किट में ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड रहता है, पावर सप्लाई में आप कहीं भी देखेंगे। ये इसका मेन काम दो है, एक तो एम्पलीफाई करना है, इसका काम मेन एम्पलीफाई करता है और स्विच करता है। कोई कोई MOSFET स्विच के लिए यूज़ किए जाते हैं, खाली वो स्विच कर देते हैं, जैसे कोई सर्किट को ऑन करना है ऑफ़ करना है उसके लिए यूज़ होते हैं, ऐसे तो उसको भी पल्स सोर्स और गेट के बीच में दिया जाता है और ड्रेन से आउट लिया जाता है और स्विच किया जाता है। लेकिन हमें आउटपुट चाहिए पावर सप्लाई में, ज़्यादा करके ट्रांसफार्मर कनेक्ट होता है इससे और उसमें सप्लाई ड्रेन के थ्रू AC सप्लाई जनरेट होती है, DC to AC समझिए, क्लिक हमारा ये जो ड्राइव आता है DC में आता है और AC को ट्रांसफार्मर में AC वोल्टेज जनरेट होता है जो कि सेकेंडरी में ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफार्मर में खाली AC वोल्टेज ट्रांसफ़र होता है, DC वोल्टेज ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो ये MOSFET का जो गेट है वो कौन सी तरफ आएगा, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही रहता है कि चेक करते समय कि इसका गेट कौन सा है और सोर्स कौन सा है। तो देखिए सेंटर का ड्रेन है और हमने इस तरह से रखा, नंबर को टॉप पे ऊपर रखा है और लेग्स को अपने तरफ रखा है, तो ये राइट साइड जो है इसका
वो गेट है। ये देखिए इस तरह से आप रखेंगे तो ये राइट साइड गेट है और लेफ्ट साइड में आपका सोर्स है, और सेंटर पिन के बारे में कोई डाउट ही नहीं है, सेंटर पिन आपका ड्रेन है। तो इस तरह से मॉस्फेट के लेग्स को आप पहचान सकते हैं। और मॉस्फेट को चेक कैसे करते हैं, तो आप मीटर में अगर डायोड के रेंज में जाएंगे, आप मीटर में ही इसको स्विच करके भी देख सकते हैं। मैं इसके ऊपर मीटर को रख देता हूँ और देखिए इसको मैंने ओम्स रेंज में रखा था कंटिन्यूटी के रेंज में, लेकिन डायोड सेलेक्ट कर दिया है। अब देखिए इसको हम कैसे चेक करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर गेट और ड्रेन के बीच में देखिए रेजिस्टेंस दिखा रहा है 334। ये अलग अलग मॉस्फेट में थोड़ा सा चेंजेज आता है। अब हम एक बार इसको टच करते हैं सोर्स पिन पे, उसके बाद इसका रेजिस्टेंस देखिए चेंज हो गया, कितना हो गया 508। अब इसको फिर हम एक यहाँ से क्लिक करते हैं, जब यहाँ से पल्स मिल जाता है सोर्स पे तो फिर इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। ये देखिए दोस्तों 333 हो गया। तो इस तरह से आप स्विच करके चेक कर सकते हैं मॉस्फेट को। मैंने डायोड का रेंज लिया है और देखिए यहाँ पे 333 आ रहा है, फिर इसको क्लिक करेंगे फिर चेक करेंगे तो उसका बढ़ जाएगा, 336 आ रहा है, देखिए 500 हो जाएगा वो, जब वो स्विच हो जाएगा तो 500 हो जाएगा। उसको एक दो बार टच करना पड़ता है, कभी टच नहीं होता तो ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन आप देखिए फिर से देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, सेंटर को सेंटर में निगेटिव रखा है हमने और पॉजिटिव को गेट पर रखा है मीटर प्रॉड को, और डायोड का रेंज है 506 आएगा दोस्तों। फिर इसको क्लिक करते हैं, देखिए चेंज हो गया 334। ये फंक्शन अगर आपका आता है तो मॉस्फेट आपका ओके है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे मॉस्फेट ख़राब होते हैं डालने के बाद सर्किट में, मॉस्फेट दिखाते ओके हैं और सर्किट में डालते हैं तो प्रॉब्लम आता है। वो डुप्लीकेट मॉस्फेट रहते हैं, नंबर अलग रहता है, प्रिंटेड रहते हैं तो हम डालते हैं तो प्रॉब्लम आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मॉस्फेट आपका ओके ही है, लेकिन टेस्टिंग ऐसे ही मॉस्फेट की होगी और क्वालिटी वगैरह अच्छी सही लेनी चाहिए मॉस्फेट की। इसको चेक आपको ऐसे ही करना है। आपको एक बार और फिर से बता देता हूँ कैसे चेक करना है। मीटर प्रॉब देखिए पॉजिटिव ये है और ये निगेटिव है, हमने रखा है ओम्स रेंज पे कंटिन्यूटी के रेंज पे, और डायोड सेलेक्ट किया हुआ है। सेंटर पॉइंट को निगेटिव, सेंटर पॉइंट पे मैंने निगेटिव रखा है जो कि ड्रेन पॉइंट है, और ये गेट पे मैंने रखा 503 का रीडिंग आ रहा है 503। और ये देखिए हम इसको क्लिक करेंगे फिर ये 300 हो जाएगा, 345 46 हो रहा है। इसमें थोड़ा सा अलग अलग मॉस्फेट में आपको अलग अलग रीडिंग आएगी, लेकिन ऐसी रहेगी, किसी में 250 हो जाएगी, 470 हो जाएगा, या किसी में 550, ये थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहता है मॉस्फेट के नंबर के हिसाब से, लेकिन ये ऐसे ही रहता है। तो आप इस तरह से मॉस्फेट को चेक कर सकते हैं, और मॉस्फेट के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, टाइप आपको मैंने बता दिया है। इसी टाइप के मॉस्फेट आपको लगते हैं ज़्यादा करके, हम जहाँ जो यूज़ करते हैं चार टाइप के मॉस्फेट लगते ही हैं। देखिए जैसे कि ये SRP की पावर सप्लाई है, इसमें मॉस्फेट बहुत सारे लगे हैं, 1, 2 और 3 लगे हैं, लेकिन किसी किसी सप्लाई में पूरा नहीं, एक बड़ा मॉस्फेट इस टाइप का आ जाएगा, वो एक ही मॉस्फेट लगा रहेगा, वो ज़्यादा करके PFC सर्किट में यूज होता है। तो आप ये मॉस्फेट रहे तो आपको इसी टाइप का मॉस्फेट डालना होता है, क्योंकि इसी के लिए जगह होती है। तो मॉस्फेट के बारे में मैंने छोटी सी जानकारी आपको दे दी। अगर कुछ डाउट हो आपको तो मेरे कॉल नंबर पर कॉल कर सकते हैं।